फिर रुक कर दे दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया देश में कोरोना के 82,402 एक्टिव केस, 33 दिन बाद एक दिन में 10,000 से ज्यादा मामले मिले। पीयूष जैन केस में डीजीआई का खुलासा, टर्नओवर बताकर 52 करोड़ में सेटलमेंट की बात गलत। कल अयोध्या में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, रामलला और हनुमानगढ़ी के करेंगे दर्शन। अरविंद केजरीवाल विक्ट्री मार्च में शामिल होने चंडीगढ़ पहुंचे, कहा दिल्ली जैसी सरकार पंजाब में देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता ने कहा गंगा सागर मेले पर कोविड मामलों के मद्देनजर पाबंदी नहीं लगेगी। महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द बोलने वाले कालीचरण के खिलाफ देशद्रोह का मामला हुआ दर्ज। नहीं डाले जाएंगे यूपी चुनाव, आयोग बोला सभी दल चाहते हैं समय पर ही हो यूपी विधानसभा चुनाव, 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। इलेक्शन कमीशन ने बताया यूपी में 52% नए वोटर महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी। दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में खुलासा, कुल संक्रमितों में से 46% को ओमिक्रॉन। एलएनजेपी में भर्ती ओमिक्रॉन के 70 मरीजों में से 50 ठीक हुए। उड़ीसा में ओमिक्रॉन के 5 संक्रमित और मिले, कुल राज्य में 14 मरीज। मुंबई में अभिनेत्री नौरा फतेही कोरोना संक्रमित, साथ ही अर्जुन कपूर के चचेरे भाई मोहित मारवाह और उनकी पत्नी अंतर भी कोरोना पॉजिटिव। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, साउथ अफ्रीका को दी 113 रनों से मात। चीन में बीते 24 घंटे में कोरोना के 207 मरीज मिले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।